हम तो ये रंग देखते रहते हैं ना, आप लोग तो ऐसे ऐसे टाइम में, हम तो इसलिए हम तो ये रंग, इनका जो ये रस है, दोस्तों धन्यवाद। एक शॉर्ट स्टेटमेंट मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सुबह मेरी बात हमारे AICC जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी के साथ हुई, और आप सभी को पता है कि असम और उत्तर पूर्वांचल बाढ़ से कितना प्रभावित हुआ है और वर्तमान में कितनी लोगों की जान गई है, लोग कितनी कष्ट में हैं, और इस समय एक जिम्मेवार अगर केंद्र सरकार अगर आज होती तो असम और उत्तर पूर्वांचल में केंद्रीय मंत्री वहां भेजते, प्रधानमंत्री स्वयं जाते, खुद देखते वर्तमान की क्या समस्याएं हैं, कहाँ कमी है, लोगों को की क्या समस्या है, और फिर केंद्र सरकार आर्थिक तरीके से एक पैकेज, एक मदद के लिए, साथ ही साथ वहां जो लॉजिस्टिक्स जो आज सपोर्ट चाहिए वो देती। पर अफसोस की बात यह है कि वर्तमान में केंद्र में एक जिम्मेवार सरकार नहीं है। वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है वो सत्ता की इतनी भूखी है कि सत्ता की इतनी लालच में है कि उनको असम और उत्तर पूर्वांचल में बाढ़ से पीड़ित लोगों का कष्ट नहीं दिखता। अंधी हो चुकी है सत्ता के लालच में। मीडिया में बार बार फोटोज आ रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे और परिवार बैंबू का नाव बनाकर या एक बाप अपने छोटे से बच्चे जो अभी भी अस्पताल में है, क्योंकि अस्पताल में पानी भर गया है, उसको इस प्रकार से उसकी जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्तमान में भाजपा क्या करती है कि महाराष्ट्र में सरकार गिरानी है और महाराष्ट्र के विधायकों को वो असम वो भेजते हैं। इससे ज्यादा निष्ठुर व्यवहार, सौतेला व्यवहार उत्तर पूर्वांचल के साथ हमने कभी भी नहीं देखा। बाढ़ होते हैं उत्तर पूर्वांचल में, लेकिन बाढ़ के समय केंद्र सरकार हमेशा संवेदनशील होते हुए किसी मंत्री को निर्देश देते हैं कि आप जाइए, प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर मदद करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो गुजरात के निर्वाचन में व्यस्त हैं, महाराष्ट्र के सरकार गिराने में व्यस्त हैं। आज सिलचर में आपके बहुत से मीडिया के दोस्त गुवाहाटी में होंगे, मैं आपके द्वारा उनसे कहना चाहूँगा कि मैं स्वागत करता हूँ कि आज मीडिया की नज़र असम पे है, गुवाहाटी पर है, लेकिन थोड़ी नज़र मेघालय पे पर दीजिए, थोड़ी नज़र बोरपेटा पे दीजिए, थोड़ी नज़र कचार पे दीजिए। कचार से मुझे फोन आ रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है, क्रिटिकल स्टेज में है, लोग अपने घर से निकल नहीं पा रहे। पीने का पानी, आप सोच सकती है कि पीने का पानी भी आज इतना मुश्किल हो चुका है कि शायद एयर ड्रॉप करना पड़े पानी के बॉटल। तो ऐसे जहां पे हमको एक वॉर टाइम ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट केंद्र सरकार की तरफ से हमको दिखना चाहिए, हमको सिर्फ दिखता है सत्ता की लालच, सत्ता की भूख। और वहां असम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं आप पूछ लीजिए असम के मीडिया के दोस्तों से। कल एक चैनल में
मजाक बना रखा है। कहते हैं कि बाहर से लोग आएंगे, होटल असम के होटल में रहेंगे तो असम को रेवेन्यू मिलेगा, असम को पैसा मिलेगा, वो इस पैसे के द्वारा बाढ़ के लोगों को मदद कर पाएंगे। मजाक बना के रखा है। मैं आज मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको होटल के रूम का भाड़ा से आप अपने बाढ़ के लोगों को बचाएंगे? आपने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है, आपने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की है, ट्विटर पे आया है, क्या आपने पैकेज की मांग की? अगर वास्तविक में आर्थिक अवस्था इतनी खराब है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी से आपने फाइनेंशियल मदद मांगी, गृह मंत्री से फाइनेंशियल मदद मांगी एनडीआरएफ के द्वारा? उसका जवाब दे। तो इसीलिए आज लोग, हर वर्ग के लोग बीजेपी की ऐसे गैर जिम्मेवार व्यवहार के कारण पीड़ित हैं। वो चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, बाढ़ से पीड़ित हो या बेरोजगारी से पीड़ित हो या सीमा सुरक्षा से पीड़ित हो, यह सत्ता की लालच और सत्ता की भूख ने भारत को विभाजित, भारत को पीछे और विकास के रास्ते से, सुरक्षा के रास्ते से बहुत परे कर दिया है। और जब तक भाजपा शासन में रहेगी, लोग इसी प्रकार से लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाएगा। अब मैं अंग्रेजी में कहना चाहूँगा, वी ऑल नो करेंटली दैट दे आर फ्लड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, इन असम, इन मेघालय। यू हैव सीन द विजुअल्स योर सेल्फ ऑफ अगरतला बींग फ्लडेड, ऑफ सिल्चर बींग फ्लडेड। यू हैव सीन दीज विजुअल्स ऑफ अ फादर कैरिंग हिज न्यू बॉर्न बेबी आउट ऑफ अ हॉस्पिटल इन कचार। यू हैव सीन दीज विजुअल्स ऑफ चिल्ड्रेन fleeing for safety on bamboo built rafts in Borpeta, in Lower Assam. And in the past, whenever there has been floods or any natural disaster, a responsible central government sends a team of ministers. The Prime Minister visits himself, studies and assesses the situation, and then offers relief and urgent aid. Whether that aid is in terms of financial resources, whether it is in terms of the army or NDRF, or logistics like medicine, clothes, and drinking water. But what do we have today? Today, the BJP, in its lust for power, has become blind to the pain of the people of Northeast who are suffering from floods. They have become blind, and therefore they are only interested in their lust for power, in their quest for power. And the Prime Minister is either busy campaigning for Gujarat elections or trying to destabilize a government in Maharashtra. This is cold-hearted, this is brutal, this is insensitive. And never before have we seen that at a time when people do not even have water, access to drinking water, the government is diverting the government resources to its own political ambitions. We have never before seen this naked, brutal, cold-hearted lust for power. And unfortunately, the chief minister takes this as a matter of joke. You ask your friends in the media, yesterday he says, we are happy that guests from Maharashtra have come and staying in Maharashtra, in Guwahati hotels. He even goes on to say, my hotel. I wonder why he says my hotel. The hotel is located in his constituency, but he says my hotel. And based on the GST, he will get financial resources to help the people in the state. This is a statement from a chief minister.
Is the financial situation of the government of Assam so poor that they have to depend on GST revenues from hotels? And actually, if it's that poor, then you have spoken to the Prime Minister, you have spoken to the Home Minister. Have you asked for a financial package? Please give us the details. Don't treat this as a laughing matter. People in Silchar, they don't have access to water. The situation is so critical that they might airdrop. The army might need to airdrop water because you cannot distribute or transport. So this naked, brutal quest for power is what is making the people of this country suffer, no matter where they are, no matter who they are, whether it is the people of the Northeast, whether it is the farmers, the unemployed youth on the streets, and people of India will continue to suffer. Because for the BJP, right from its foundation till today, they only want political power for their narrow, self-centered reasons. Until the time they are not ousted from power, people of India will continue to suffer. And our national security, our economic growth, our social harmony will always be vulnerable. Thank you. And if you have any questions, I'll be happy to take them. But I hope. But a belakke koi dum mai. Fine. Kal puch lijiye. Aise ab to. देखिए, हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में, महामहिम राष्ट्रपति के बारे में हम ये निर्वाचन में शामिल होने वाले हैं. भारत के राष्ट्रपति होने का जो पद है वो भारत के सभी जाति, सभी वर्ग को दर्शाता है. और इसीलिए उसको अगर आप इस प्रकार से, अगर भाजपा की ये राजनीतिक ये मंशा है कि वो सिर्फ एक हमारे आदिवासी के साथ जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रपति की जो पद की जो गरिमा है उनको सोचना चाहिए. क्योंकि ये राष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन है, ये एक विचारधारा का भी निर्वाचन है. और वर्तमान की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके ऊपर भी ये एक निर्वाचन है, एक सोच की है. उनकी सोच और हमारी जो सोच, उनकी लोकतंत्र की कुचलने की सोच, बेरोजगार युवाओं के सपनों को कुचलने की सोच, आर्थिक व्यवस्था को गड़बड़ाने की सोच, चीन के सामने घुटने टिकने की सोच, और हमारी जो संवेदनशीलता है, इसको लेकर भी एक राष्ट्रपति का चुनाव आने वाले समय में इन मुद्दों पर भी होगा. द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज अ हाईली रिस्पेक्टेबल पोस्ट दैट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्सिटी एंड एस्पिरेशंस ऑफ एवरी कम्युनिटी, कास्ट एंड ट्राइब ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज नॉट एन इलेक्शन बिटवीन टू पीपल, but an election between two ideas. And we have seen how the ideas and the approach of the current BJP government have put India at risk, whether economic risk, whether a national security risk, a financial risk, and at a social risk. So on all these issues will matter in the presidential election in the days to come. देखिए, इसमें हमने पहले भी कहा है कि ये शिवसेना पर हम अपनी बात नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो उनके पार्टी का इंटरनल मामला है. पर हमारा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी पर है,
और हमारे हम संपर्क में हैं हमारे महाराष्ट्र के हमारे साथियों के साथ, और हमारा विश्वास है कि भाजपा की जो ये मंशा है कि वो सरकार को, एक स्थिर सरकार को गिराएगी और वापस देश को अस्थिरता में फेंकने का की जो उनका मंशा है वो मंशा नाकाम होगा। ये एक और उदाहरण है कि भाजपा सत्ता की लालच में अस्थिरता धारावाहिक रूप से पैदा करती है, उत्पन्न करती है। जिस समय बेरोजगार युवा सड़क पर है, कोविड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जिस समय बाढ़ है, जिस समय किसान पीड़ित है, कहीं कहीं भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो यही सरकार भाजपा की सत्ता की लालच दोबारा दर्शाती है। और सत्ता के लालच में आज हमारा देश विकास, उन्नति, प्रगति, शांति के रास्ते से परे हो चुका है, और जहाँ पे हमको आगे बढ़ना था भाजपा ने हमको पीछे ढकेल दिया है।